नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। विदिशा जिले के गंजबासुदा क्षेत्र में आए दिन चाकूबाजी और सरेआम मारपीट जैसी घटनाएं आम हो चुकी है। अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, जिसके चलते पुलिस को अब सड़कों पर उतरना पड़ा, जिसको लेकर लोगों में अब पुलिस पर विश्वास और आरोपियों पर खौफ दिखाई देगा। दरअसल गंजबासुदा के सपना पेट्रोल पंप के सामने 2000 रुपए की उधारी को लेकर कुछ युवाओं में आपस में विवाद हो गया, जिसके चलते हरनाम सिंह अहिरवार और अन्य ने राहुल मालवी के ऊपर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे राहुल मालवी को गंभीर चोट आई। आरोपी ने राहुल मालवी के घायल होने के बाद भी मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल हुआ। राहुल को गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद हमीदिया अस्पताल भोपाल के लिए रेफर किया गया। अभी आरोपी युवक को पुलिस घटनास्थल पर ले गई, जहां जनता के बीच में कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई, साथ ही नारे लगवाए। गंजबासुदा से केकेआर न्यूज के लिए संवाददाता ब्रजेश राठौड़ की रिपोर्ट। अभी सब त्योंदा रोड पर एक झगड़ा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे प्राथमिक उपचार के बाद जो है भोपाल रेफर किया गया। क्या मामला है? ये कल लगभग 4 बजे के आसपास की घटना है। इसमें 4 आपस में परिचित लोगों का कुछ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद त्योंदा रोड पर सपना पेट्रोल पंप के पास में हुआ था, और इसमें राहुल मालवीय नाम का लड़का है, इसको 3-4 लोगों ने चोट पहुँचाई है, जिसमें मुख्य रूप से लोकेश यादव और हरनाम सिंह अहिरवार, मनोज परिहार और सेवक अहिरवार, ये 4 लोगों के नाम से FIR हुई है। और इसमें हमने धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और अन्य धाराओं का भी समावेश किया है। इसमें 327 भी लगाई गई है, क्योंकि पैसे के मांगने की बात आई थी। हालांकि बाद में मालूम पड़ा है कि वो उधारी के पैसे थे, उन्हीं के आपस में 3-4 दिन पहले पैसे उधार लिए थे, उसको लेकर आपस में विवाद हुआ था। और इनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी हमने देखा है, तो इसमें जो हरनाम सिंह है उसका और सेवक अहिरवार है, इनका मामूली आपराधिक रिकॉर्ड है। और इनको इनमें से 2 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, और जो मजरूब है घायल उसको उसकी जानकारी लगातार ली जा रही है। और आज सुबह 7 बजे के आसपास मेरी उसके भाई से बात हुई है, तो वो अभी धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार हो रहा है। हालाँकि अभी भी वो अचेत है, और आपके माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो सकुशल अपने घर वापस आए। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, कौन लोग? वो लोकेश यादव और हरनाम सिंह को गिरफ्तार किया गया है, और इनसे घटना में प्रयुक्त रॉड को भी जब्त कर लिया गया।